भी एक अच्छा खासा डाटा या नंबर बच्चों का बच जाता है जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। दूसरा, फिर मजबूरी यह आती है कि ये जो अनएम्प्लॉयड रह गए ये मजबूर होते हैं अपनी क्षमताओं से कम सैलरी पर काम करने। तो इस बात को पूरी तरीके से समझ करके यहां पर देखिए क्या कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में अहम हो सकती है रोजगार के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। और ये ऐसे ही नहीं बोला गया क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा था माय डियर फ्रेंड्स, और इस रेवेन्यू के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर माना गया। ये टोटल ग्लोबल सेल है 2012 का डाटा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर निष्कर्ष कहीं पहुंचता है किसी भी चीज का तो उस निष्कर्ष के ऊपर ही पॉलिसी बनती है। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, लगातार एक्सीडेंटल जो केसेस है वो बढ़ रहे थे, तो हॉस्पिटल से डाटा गया कि पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों को हेड इंजरी बहुत ज्यादा होती है और उनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। ये ट्रॉमा सेंटर का बता रहा हूं मैं आपको, राइट। और उस डाटा का नतीजा निकला कि जब 3 साल तक ऐसा गया कि पिछली सीट पे बिगिनर राइडर जो होते हैं टू व्हीलर पे वो बहुत ज्यादा गंभीरता से बीमार होते हैं या चोट लगती है उनको, डेथ उनकी होती है, पीछे बैठने का हेलमेट लागू किया गया। ऐसे नहीं आए डाटा की वजह से आए। तो डाटा की अहमियत आप समझिएगा। 2012 के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों ने, चाहे नेशनल फुटबॉल लीग बोलिए, म्यूजिक इंडस्ट्री बोलिए, वीडियो गेमिंग मूवी इंडस्ट्री या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की इंडस्ट्री बोलिए, जितना इन लोगों ने अपने क्षेत्र में बिजनेस किया उससे तिगुने से भी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग ने बिजनेस किया 2012 के अंदर। इंडस्ट्री में आने के लिए सर पहले देखिए कि वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है कि नहीं है, देखिए, क्योंकि बिजनेस को बहुत तरीके के आप कर सकते हैं। 2013 के अंदर ये डाटा बढ़ के हो गया 178 मिलियन, 2014 के अंदर ये 182 मिलियन तक जा पहुंचा, 2015 के अंदर 183 मिलियन, 16-17 का भी डाटा आएगा आपके सामने जो इसको भी क्रॉस कर चुका होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही है? ये सारी बातें सिर्फ एक ओर इशारा कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयड बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। वहीं ये वो रोजगार है जिसमें अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया, पैसे कमा रहा हूं, तो मैं खुद ही इंप्लॉयमेंट दूंगा, यानी कि मैं ही और लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर ला करके उनको भी पैसा कमाने का मौका दे रहा हूं। क्योंकि आपकी मदद करती है, टोटल लोग 2015 में 22.2 मिलियन, 10 लाख का होता है 1 मिलियन, सोचिए 20 मिलियन से बात जा पहुंची है, तो कितने बड़े लेवल पर ये इंडस्ट्री काम कर रही है। ये जितनी भी डाटा तैयार हुई उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ माय डियर फ्रेंड्स, 2014 में 2015 में दिल्ली में, और पूरे उसके विश्व लेवल पर सारी चीजें की गई। और उसके बाद जो चीज निकल के सामने आई वो था भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन देना और पूरी तरीके से इस बिजनेस को लीगल कर देना। कानून बन गया है 16 दिसंबर 2016 के अंदर कि ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से लीगल है, आप इसे कैरियर के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हर तरीके से आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल उसी तरीके से पेरोल पे रख लिया जाता है जैसे कि गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं। रीजन, आपका हर डाटा गवर्नमेंट के पास रहेगा, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, क्योंकि बिना आईडी के आपको इस रजिस्टर्ड बिजनेस में एंट्री नहीं है, जैसा कि मनोज जी ने आपके साथ शेयर किया था। बाकी उसके बाद आपके ऊपर है, आप इस बिजनेस को कितने आगे और कितनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं, कहां तक जा सकते हैं आप, मैं शेयर करता हूं आपके साथ कहां तक आप जा सकते हैं। हमारे कुछ साथी हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत कर दी है इस बिजनेस को फुल टाइम सीरियसली लेकर के। और पहला जो चित्र आपके सामने है ये एक ऐसे व्यक्ति का है जिसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, मोहम्मद मोइन साहब है ये, और इनका जो तरीका है लोगों से नंबर लेने का, सेव करने का, ये मोबाइल भी उन्हीं के हाथ में देते हैं कि आप ही नंबर सेव कर दो, मुझे नंबर सेव करना भी नहीं आता। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो एवरेज चेक लगभग 4 लाख रुपए का इनका, और ये 2017 के अंदर 9/6/2017 को 5 करोड़ कलम निकला था, जैसे 1 करोड़ कलम अभी निकाला हुआ वेस्टीज ने, 5 करोड़ कलम निकला था उस क्लब के अंदर, इनका हाईएस्ट अमाउंट गया 8,49,000 रुपए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की, क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि रेडी पे पटरी पे टी शर्ट बेचने वाला कोई व्यक्ति जिसे पढ़ना और मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता दुनिया की किसी और इंडस्ट्री में इतना कामयाब हो सकता था? शायद बिल्कुल नहीं, राइट। इसी तरीके से एक और शख्स है हमारे पास, रमेश कुमार जी, 9 लाख के ऊपर का चेक है इनका। प्रणव रॉय जी, प्रवीर रॉय जी, 10 लाख से ऊपर का चेक है।
अगेन आर बाला स्वामी जी 12,36,000, 12,44,000, 12,87,000, संतोष यादव जी जो कि LIC के अंदर काम करते थे, प्राइवेट जॉब के अंदर भी काम किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली, एक और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया लेकिन वहां भी उतनी सफलता नहीं मिली, आज से 5 साल पहले प्रेस्टीज के अंदर आए थे और पिछले साल जो बोनस बना वो अभी एवरेज चेक लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए का इनका, और जो बोनस उस समय बना था 18,30,000 रुपए। साइकिल पे चलते थे और आज की तारीख में जो घर बनाया है घर के अंदर जकूजी और थर्ड फ्लोर पे तो स्विमिंग पूल है, इस लेवल का घर बना है। कामयाबी किस लेवल पर है, विक्की जायसवाल जी मुंबई से 35 लाख के चेक के साथ, मंजुनाथ जे जी जगवार गाड़ी चलाते हैं आज की तारीख में प्रेस्टीज से और इनका बोनस चेक 35 लाख से ऊपर है, साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर आए और रिटायर अपने आप को रिजाइन कर दिया इस बिजनेस की पावर को समझ के, बरेली से विवेक कुमार सक्सेना जी 36,61,000 रुपए के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब तो क्या एक जन्म के 10 जन्म भी गवर्नमेंट जॉब करते तो 36 लाख नहीं कमा सकते। इसके अलावा गुरशरण सिंह जी 54 लाख रुपए के चेक के ऊपर, एमवे को एमवे के बारे में जानते हैं लोग, 10 साल से ज्यादा समय दिया है एमवे को, वहां कामयाबी नहीं मिली उनकी, मिली लेकिन सिर्फ अकेले को, और इसलिए वेस्टीज में आए कि ये तो पैसा कमा रहे थे लेकिन इनके लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, आज की तारीख में बोनस चेक कितना है सर 60 लाख, 60 लाख के आसपास है, नीलेश दीपक पात्रीवाला 61 लाख, और ये है वो सब जिनके बारे में मनोज जी कह रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके सीनियर हैं 1,68,00,000 आपके साथ, दिल्ली से बिलोंग करते हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी, दोस्तों इतने सारे चेक्स आपके सामने दिखाए गए, आप इन लोगों से प्रैक्टिकल भी मिल सकते हैं, हमारा हर महीने सक्सेस सेमिनार होता है और इस बार वो 26 तारीख को है ITO में पैरेलल भवन के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोगों से आप मुलाकात करते हैं, प्रैक्टिकली मिलते हैं इन लोगों से जो आपको यहाँ पिक्चर पे नजर आ रहे हैं, ये आपको एजुकेट करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस बिजनेस को किया और आप किस तरीके से कर सकते हैं। 26 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे और दोपहर को 2 बजे ये सेशन होने वाला है, जिनके साथ आप आए हैं जरूर पूछेगा कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ITO पैरेलल भवन के अंदर ये होता है, राइट। अब फाइनल वर्ड्स मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो गलती बिल्कुल मत करिएगा जो इस बिजनेस में प्रोग्राम देखने के बाद 90% लोग करते हैं, और वो गलती क्या है, वो गलती है इस बिजनेस को करूं या ना करूं ये डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन हम लेते हैं किसी उस व्यक्ति से पूछने के बारे में हम सोचते हैं या बोलते हैं जिसने इस बिजनेस को देखा अभी नहीं। रीजन, हमने आपसे जानकारी शेयर करी है 100%, जो लोग पहली बार आए हैं या दूसरी बार भी आ रहे हैं तो उनकी समझ में भी कई बार 50% के आसपास आता है, अगर आप कहेंगे मैं सब कुछ समझ गया और डिसीजन लेने के लिए अब मैं घर जाकर पापा से मम्मी से भाई से बहन से या हमारी कॉलोनी में 100% समझदार व्यक्ति से पूछूंगा या पूछूंगी तो शायद आप एक बहुत बड़ा डिसीजन उस व्यक्ति के कहने से लेंगे जिसे इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप बताएंगे 20% और उनकी समझ में आएगा 100% जानकारी ज्यादा बेहतर है या 5%? एग्जैक्टली, आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो उन लोगों से डिसीजन मिलकर के डिसीजन लीजिए जिन्होंने आपको यहां पर बुलाया है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर पहले से ही मौजूद है, जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, काम करने का सही तरीका बता सकते हैं, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो जरूर आप मेरे से मिल सकते हैं, अभी 10 से 15 मिनट में यही करूं और हमारे साथी यहीं पे आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग जिंदगी में खूब कामयाब हो, खूब तरक्की हासिल करें, यही हमारी शुभकामनाएं है, थैंक यू वेरी मच, विश यू।